नेदर, एक ऐसी जगह जिसे कल्पना करने में भी डर लगता है, और वहां के सबसे बड़े साम्राज्य का महाराजा विदर किंग अपने दोस्तों को बचाने के लिए ओवरवेल्ड में पहुंचा, पर वहां होता है उसके साथ धोखा, जिसके कारण वो एक अल्टरनेट डायमेंशन में ट्रैप हो जाता है। जैसे तैसे करके वो वहां से बाहर निकला और स्टीव से मिलता है, जिसके बाद वो फिर से निकल पड़ते हैं गामा को रोकने और अपने बाकी दोस्तों को उसके चंगुल से बचाने। तो ये है विदर किंग सीरीज एपिसोड 9 और जुपिटर वाला ओरिजिनल। तो क्या वो लोग अपने दोस्तों को ढूंढ पाएंगे, चलिए जानते हैं। आखिर हम लोग इस टर्मिनस टावर के पास जा क्यों रहे हैं और करता क्या है वो? मैं बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास भी नहीं होने वाला है, उधर ही चलकर देख लेना। जब विदर किंग को टर्मिनस टावर के बारे में कोई जानकारी न मिली तो उसने एलेक्स और भोलू के पापा के बारे में पूछा, जिसके बारे में तो स्टीव को भी कुछ पता न था। उसने बताया कि पिछले 2 सालों से वो काफी ज्यादा ट्राई कर रहा है उन्हें फाइंड करने का, लेकिन अपने इनएबिलिटी के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ना वो कोई ब्लॉक तोड़ सकता है, ना प्लेस कर सकता है, और ना ही अच्छे से किसी मॉब से वो लड़ पाता है। और सिर्फ वो ही नहीं, उस डायमेंशन में किसी के पास भी बेसिक एबिलिटीज नहीं थी, सिर्फ विदर किंग को छोड़कर। और इन सब के पीछे गामा का हाथ है, ताकि वो इस डायमेंशन को इजीली डोमिनेट कर सके। वो इन सब के ऊपर बात कर ही रहे थे और करते करते वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर स्टीव ने बताया कि ऐसे टावर इस पूरे डायमेंशन में काफी जगह पर फैले हुए हैं, और इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो आगे कुछ और बताता, उससे पहले ही वो टावर के ऊपर चढ़ चुके थे, जहां पर उन्हें एक बटन दिख रहा था, और जैसे ही विदर किंग ने उससे प्रेस किया, अंधेरा छा गया। स्टीव, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। अबे एक्टिंग करना बंद कर और ये देख हम कहाँ आ गए, ये कौन सी जगह है। उस टावर के बटन को प्रेस करते ही वो पहुंच जाते हैं टर्मिनस सेंट्रल में, जो कि उस डायमेंशन का सुपर फास्ट ट्रैवलिंग सिस्टम हुआ करता था, लेकिन गामा ने उससे भी नष्ट कर दिया, ताकि विलेजेस के बीच कोई ज्यादा कम्युनिकेशन ना रहे, और अगर कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो गामा के सामने खड़ा हो सके। और इसलिए स्टीव सारे के सारे टावर्स को सबसे पहले रिकवर करना चाहता था, जो कि वो अकेले नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने विदर किंग की हेल्प ली, जिसकी उन्होंने शुरुआत भी कर दी टर्मिनस सेंट्रल के पावर सोर्स को ऑन करके। अब टर्मिनस सेंट्रल तो ऑन हो गया था, लेकिन सारे के सारे टावर्स को एक रिबूट की जरूरत थी, जो कि उन्हें मैनुअली ही करना पड़ेगा। वहां उन्हें एक अजीब सी मशीन भी दिखी, जिससे उन्हें एक डिवाइस मिलता है, एक ऐसा डिवाइस जो देखने में किसी कंपास जैसा था, और उसे लेकर वो उस टावर में वापस आ जाते हैं। और तब उन्हें मालूम चलता है कि वहां से जंप लगाने पर उन्हें डैमेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर के लिए उन्हें स्लो फॉलिंग का इफेक्ट मिला हुआ है। शायद ये उस टावर ने दिया ताकि कोई भी आदमी आराम से लैंड कर सके। अब उनके पास था एक डिवाइस जो कि उन्हें एक डायरेक्शन बता रहा था, और जहां तक उन्होंने गेस किया, यह कंपास किसी दूसरे टावर का डायरेक्शन बता रहा होगा, जिसे वो इनेबल करना चाहते थे, और इसलिए वो उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। उस डिवाइस को फॉलो करते करते दिन से रात और रात से दिन हो जाता है, लेकिन अभी भी वो अपने मंजिल पर नहीं पहुंचे। धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा कि क्या ये डिवाइस सही से काम भी कर रहा है, या फिर ये खराब हो चुका है और वो यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तभी विदर किंग को एक स्ट्रक्चर दिखता है। मुझे लगता है हम कहीं तो आ गए। What? ये कौन सी जगह है, इसे तो मैंने आज तक नहीं देखा। बट ये तो रुइंड हो चुका है, ऐसा लग रहा है किसी ने इसे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया हो। मुझे लग रहा है कि इन सब के पीछे गामा का हाथ है।
ध्यान से देखो, ये किसी किंगडम जैसा लग रहा है। उस डिवाइस को फॉलो करते हुए वो पहुंच जाते हैं एक रुइंड हो चुके किंगडम में, जहां की टूटी हुई इमारतें यह चीख चीख कर बता रही थी कि 2 सालों पहले यहां गामा ने कितनी बुरी तरीके से तबाही मचाया था और वहां के महाराजा को मारकर सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। हमें अंदर जाना चाहिए। चलो चलते हैं। जब वो दोनों किंगडम की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें वहां मालूम चलता है कि वो दोनों वहां अकेले नहीं हैं। यहां पर पिलेजर्स, इलेजर्स और विंडिकेटर्स ने एक तरीके से कब्जा कर लिया था, क्योंकि यहां अब कोई नहीं आता। जब वो दोनों वहां अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां खड़े पिलेजर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसके जवाब में विदर किंग ने सारे पिलेजर्स की वाट लगा दी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो मेन हॉल में पहुंच गए, जहां पर काफी सारा पुराना सामान रखा हुआ था, जिसमें से उन्हें मिलता है कुछ पुराने तस्वीर और साथ में उन्हें इस जगह का एक बड़ा सा मैप भी मिला। शायद इस जगह पर पहले राजा का दरबार हुआ करता था, पर अब यहाँ कुछ ना बचा। जब वो वहां से बाहर निकले तो उनके सामने था एक टावर, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुए और कुछ ही देर में उस टावर को वो रिकवर कर देते हैं। तभी उनकी नजर जमीन के टूटे हुए एक हिस्से पर पड़ती है, जहां अंधेरे के सिवा और कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन विदर किंग को कुछ तो फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना है वहां, मगर क्या ये वहां किसी को भी समझ ना आ रहा था। ये जानने के लिए उन्हें नीचे जाना था, लेकिन हाइट इतना ज्यादा था कि अगर वो नीचे गिरे तो वहां से बच पाना बहुत मुश्किल था। और तभी स्टीव को एक बहुत ही मस्त सा आइडिया आता है। वो तुरंत ही वापस टावर पर चढ़ जाता है और वहां से जंप लगा देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो टावर से डायरेक्ट जंप लगाएगा तो कुछ देर के लिए उसे स्लो फॉलिंग मिल जाएगा और वो आराम से नीचे लैंड कर सकता है। लेकिन वहां नीचे पिलेजर्स और विंडिकेटर्स के अलावा कुछ ना था। शायद उन्हें काफी सारे कमरे भी दिखते हैं, पर वो भी एकदम खाली थे। ये सब देखकर विदर किंग पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज्यादा सैड हो गया। वो बहुत ही जल्दी उम्मीद हारने लगा। ये देखकर स्टीव हैरान हो गया कि जो बंदा कभी हिम्मत नहीं हारता, वो आज इतना उदास कैसे हो गया है। लेकिन स्टीव समझ नहीं पा रहा था कि विदर किंग अभी क्या फील कर रहा है। उसे कुछ तो फील हो रहा था, कुछ अपना सा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था और इस कारण से वो काफी ज्यादा बेचैन हो गया। और ये बेचैनी उदासी में कब बदल गई, वो तो विदर किंग को भी नहीं पता। इस उदासी में उसने हार मान लिया और अपना तलवार जैसे ही बाहर फेंका, वहां भूकंप आने लगा, जमीन कपकपाने लगा और देखते ही देखते उनके सामने का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया और जो रह गया वो था एक दरवाजा, जो कि कुछ ही देर में खुल जाता है। तो क्या है इस दरवाजे के पीछे, और आखिर विदर किंग के तलवार फेंकते ही ये दरवाजा सामने कैसे आ गया? क्या है विदर किंग का रिश्ता इस जगह से? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तेरे जैसे मैंने हजारों देखे हैं, उन सब की बनती कतारें देखे हैं। मुझसे वो थोड़ा टकराने चले थे और उन्होंने खून से सने नजारे देखे हैं। ज्यादा साना बनने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुन।